जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं। हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौकीदार वाला बयान पर अब राहुल गांधी ने एक बयान दिया है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कहा कि मैं आपका सिपाही। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कैंपेन चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भी आपका चौकीदार हूँ और आपका चौकीदार चौकन्ना है। इसके बाद काफ़ी वार पलटवार भी हुए थे और बयानबाजी भी खूब हुई थी और चर्चाएं भी खूब हुई थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपका सिपाही हूं। तो पहले आप राहुल गांधी का सिपाही वाला बयान सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा मेरा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आप दूसरों से राजनीतिक रिश्ता रखो, मेरा आपसे पारिवारिक रिश्ता है। जब भी तेलंगाना को, सुन लीजिए, जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं एक मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। जो भी आप काम मुझसे पूछोगे, दिल से मैं आपका काम करूंगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने खुद को सिपाही बताया हो। इससे पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने कहा था कि दिल्ली में मेरा घर है और मैं आपका सिपाही हूं। जब भी आप याद करोगे तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार बताया था, तब राहुल गांधी ने एक कैंपेन चलाया कि चौकीदार चोर है, चौकीदार और चौकीदार चोर है। पर काफ़ी चर्चाएं और बहस हुई। यही नहीं, राहुल गांधी ने राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए रैलियों में चौकीदार चोर है जैसे नारे भी लगवाए। एक बार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में साल 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम चौकीदार भी हैं, भागीदार भी हैं, लेकिन आपकी तरह सौदागर नहीं है और ना ठेकेदार है। आज यहाँ ये भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं, भागीदार है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। ना हम सौदागर है, ना हम ठेकेदार है, हम भागीदार हैं। देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के उन 115 जिले जो आकांक्षी जिले हैं उनके विकास के सपनों के भागीदार हैं, हम देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनत कश मजदूरों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं और हम भागीदार रहेंगे। उनके दुख को बांटना ये हमारी भागीदारी जिम्मेवारी है, हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं है, हम सौदागर नहीं है, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है, हमें गर्व है इस बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता की अगर बात करें तो दोनों नेताओं में कौन ज़्यादा पॉपुलर है, ये एक सवाल बनता है। तो इस लड़ाई के लिए हथियार बना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और अगस्त महीने में कांग्रेस की तरफ से डेटा जारी किया गया। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने एक डेटा जारी कर दावा किया था कि लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस का पीएम मोदी की लोकप्रियता पर हमला बोला तो फिर बीजेपी भला चुप कैसे रहती। बीजेपी ने भी डेटा जारी किया और बताया कि सोशल मीडिया पर लड़ाई में असली विजेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अब आपको बताते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2023 के दिसंबर तक सारे चुनाव, विधानसभा जो चुनाव हैं वो खत्म हो जाएंगे 5 राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम ये राज्य शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से एनडीए गठबंधन है,
तो कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन और दोनों गठबंधन खुद को अपने अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक कोई भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं सामने आई है और ना ही ये बातचीत कहीं पे बताया गया, ना मीटिंग हुई है कि सीट शेयरिंग पर क्या फॉर्मूला होगा, ना ही ये बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इंडिया की तरफ से। वहीं एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ही अगली बार भी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सिपाही वर्सेस चौकीदार कितना दमदार होता है, कौन किस पर भारी पड़ेगा, सिपाही या चौकीदार। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।